ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। राम, श्याम, महेश और नेपोलियन। आई एम इन योर टीम। अरे यार नरेश, हम दूसरों से दोस्ती करें या ना करें, इसकी दो ही वजह होती है, या तो हम उसे पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। किसी को पसंद करने के लिए सबसे जरूरी है उससे दिल का कनेक्शन, और वो कनेक्शन कभी आसानी से नहीं जुड़ता। ये है नरेश, और इसका और मेरा कनेक्शन कभी नहीं जुड़ा। नरेश सुपरस्टार रमाकांत का इकलौता बेटा है। जब उसके पापा की फिल्म रिलीज होती है तो हर जगह खुशी का माहौल होता है। उसके पापा के खांसने से लेकर कोट बदलने तक हर एक चीज ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, और ऐसी ही एक ब्रेकिंग न्यूज थी नरेश का हमारी स्कूल में एडमिशन। सर अंदर आइए। नरेश एक बड़े घर का बिगड़ावा रईस ज्यादा है। उसे ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। शौहरत और पैसा उसके पास बेशुमार है। उसका सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग में, लड़कियों में और अय्याशियों में मन लगा रहता है। उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन वो एक अच्छा एथलीट है, और वही हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स चैंपियन भी है, और हर अमीर बच्चे की तरह ये भी अपने भविष्य को लेकर बेफिक्र है। ये जहां जाता है अपने साथ भीड़ लेकर आता है। अब ये नहीं पता कि ये भीड़ इसके पापा की शोहरत की वजह से है या ये लोग सच में इसके दोस्त हैं। ये बात तो इसके दोस्त ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसका दोस्त नहीं। और मैं हूं शिवा, और नरेश की तरह बताने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पापा बैंक में मैनेजर है, तो ना ही मेरे पास शोहरत है ना ही दौलत। मेरे सपने और इच्छाएं नरेश से बिल्कुल अलग हैं।
मेरा सपना ये है कि मैं अपनी खोज से साबित करना चाहता हूँ कि मार्स पर लाइफ है। अबे कल हम नरेश के बाप रमाकांत का पिक्चर देखे बे, क्या पिक्चर बनाया है, एकदम कड़क। हिरोनिया ऐसे नाच रही थी, मजा आ गया, हिला हिला के नाची बे वो। नरेश का बापू नाचा बे, एकदम मजेदार। सही है, तूने मजे लिए। इंजैक नाचा एकदम धमाधम। क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे जूनियर आर्टिस्ट बनवा दूं? ए क्या रे शिवा, तू बीच में मत आ, तू जानता है ना मेरा बाप कौन है। ए इसके बाप के स्टाइल में इसको धमकी दे। अबे हमसे पंगा मत ले, हमारी हटी ना तो तुम्हारी दुनिया से हट जाएगी, समझ गया? मैं और नरेश हमेशा लड़ते ही रहते थे, मुझे समझ नहीं आया कि हम आखिर लड़ते क्यों थे। शायद ये मेरे ईगो और उसके पैसे के बीच की लड़ाई थी। मेरे खुशी की बस एक ही वजह है, माया। गिर गिर के उठती है, उठ उठ के जो गिरती है, आंखों को तुम्हारी राज छुपाना भी नहीं आता। एक मुलाकात तो लाजमी है कि तुमसे मिलकर बहुत झगड़ना बाकी है। तुम कहती हो तुम्हें मुझसे इश्क नहीं, मगर आंखें तुम्हारी फिर भी क्यों मुझे गुमराह करती है। और अब बारी है मिस माया की। शिवा नीचे आओ। पूरा तो करने देती। माया कविता कैसी लगी? कुछ समझ नहीं आया। क्या कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं तो क्यों? कोई बात नहीं, तुम जाओ। हाय एवरीवन, आई एम माया श्रीनिवासन। अपनी माया तक पहुंचने के लिए मैं उससे होकर गुजरता हूँ। जी चाहता है कि मैं उसे सीने से लगा लूं और अपनी हसरतें उसको बता दूं। जब माया को पहली बार देखा था तो मेरी सांसें मुझसे जुदा हो गई थी। मैं हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाता हूँ, लेकिन माया ही एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं बहुत पढ़ा। वैसे माया पुलिस कमिश्नर की बेटी है, इसलिए मैं उसे प्रपोज करने से डरता हूँ, और शायद इसीलिए मैंने उससे आज तक बात ही नहीं की। इडियट। हम जिसे पसंद करते हैं ना, हमें उसकी डांट में भी प्यार आता है। उसका डांटना मुझे किसी गाने की तरह लगता है, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। स्कूल सावधान। डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवर वीआरएस इंटरनेशनल स्कूल इज गोइंग टू बी ए नंबर वन स्कूल अमंग्स होल इंडिया। इन सब का कारण है हमारे छात्र छात्राएं, उनके माता पिता और हमारे स्कूल के टीचरगण, जिनके सहयोग से ये सब संभव हो पाया है। आज इस स्कूल की शाखाएं पूरे भारत में हैं। हमारे स्कूल के बच्चे हर जगह टॉप कर रहे हैं। कोई काम धंधा है नहीं। ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, खासकर 10वीं और 12वीं के बच्चे जिनके अभी एग्जाम्स ताजा ताजा आने वाले हैं। मैं सभी बच्चों को अपने स्कूल के शिवा, जिन्होंने 10वीं में टॉप किया था, उनसे इंस्पिरेशन लेने का आग्रह करता हूँ। शिवा प्लीज कम टू द स्टेज। शिवा पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। प्रिंसिपल एक नंबर का चापलूस है, जब देखो तब शिवा की तारीफ करता रहता है और हमारी बुराई। शिवा की डेडिकेशन को अपनी इंस्पिरेशन बनाए। ये आदमी नहीं, ये गिरगिट है। एनुअल डे पर मेरे डैड की तारीफ करता है और स्पोर्ट्स डे पर मेरी तारीफ। मैं अभी देखता हूँ ये शिवा फर्स्ट के साथ। और यहाँ तक कि भविष्य में आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति खुश रहे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नासा ने शिवा को चुना है इस साल के स्पीच के लिए। तालियां और जोर से बजनी चाहिए ताकि तालियों की गूंज नासा तक पहुंचे। वीआरएस स्कूल के स्टूडेंट ने सैटेलाइट साइंस में एक नया मुकाम हासिल किया है। सर हिंद खबर में भी आया, सर जागरण उजाला में भी आया, सर हमारे स्कूल के बारे में सारे न्यूज़पेपर्स में आया है। आई एम वेरी हैप्पी। सर विजयदशमी के दिन 2,50,999 एप्लीकेशंस अपने स्कूल के बिके हैं सर। अगर इसी रफ्तार से स्कूल के फॉर्म बिके सर, तो हमें अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोलनी पड़ेगी सर। अगर हमारे स्कूल को ISO सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसे दो बड़े स्कूल हम और खोल लेंगे मिस्टर गोविंद राम। खोलेंगे सर, बिल्कुल खोलेंगे सर। ISO के सारे मापदंड हम अपनाते हैं सर। पर क्या हमारे स्कूल में जो पीछे टूटी हुई दीवार है ना, उससे होकर सभी आवारा जानवर हमारे स्कूल के अंदर घुस जाते हैं सर। अगर उसे हम ठीक कर देते तो सब ठीक है। इतनी छोटी सी बात का ध्यान तो आप ही रख सकते हैं ना सर।
हमारे स्कूल की जो पीछे वाली दीवार है ना, वो झुग्गी झोपड़ियों के बीच आती है सर। हमने ही अपनी सीमा लांघी है और इसका केस कोर्ट में चल रहा है, कुछ कीजिए। ये बात है। अब पहले एक काम कीजिए, वो वॉल बना दीजिए। अच्छा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। आईएसओ का इंस्पेक्शन करीब है, ध्यान रखिए कोई गड़बड़ ना हो। ओके सर। गो गो गॉडज़िला, गो 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 गॉडज़िला, गो गो गॉडज़िला। हाथ आगे करो। रहने दीजिए सर, नहीं लग जाएगी। आओ, हाथ आगे करो सर, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे दर्द देने में बड़ा मजा आता है। पेट पूजा करने के अलावा कभी कभी सरस्वती की पूजा भी कर लिया कर, इससे तुम्हारा मोटा पेट और मोटी बुद्धि पतली हो जाएगी। सर लग गई सर। चल पेंसिल रख। सर माया श्रीनिवासन, सब बुक चाहिए। मेमोरीज ऑफ मिडनाइट, वेरी बैड सर। लाइब्रेरी की बुक है, वापस करनी है। व्हाट इज कॉल्ड एज टूपल्स इन डेटाबेस। इन डेटाबेस मुझे यकीन है कि तुम्हें जवाब मालूम नहीं है, लेकिन ये भी गारंटी है कि सवाल भी समझ नहीं आया होगा। सेट ऑफ रोज, सेट ऑफ रोज। तुम यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आती हो, ये अश्लील किताबें पढ़ने के लिए नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, आई विल नॉट रिपीट दिस। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस। जाओ जाके फाइन भर दो। सर प्लीज सर, इससे अच्छा तो फाइन ही भर दो। गो गो गॉडज़िला, गो 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 गॉडज़िला। साइली जी, आपका टाइम नहीं हुआ? नहीं सर। ओ, जब देखो तब ठूसता रहता है और लड़कियों को घूरता रहता है। माया को कैसे पटाओ बताता ही नहीं है, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है यार। तो पता करना उसको क्या पसंद है। उसको बुक पसंद है, बुक दे के पटाओ उसको। हाँ, उसे कौन सी किताब पसंद होगी? अबे हम लाइब्रेरी हैं का जो हमको पता होगा कौन बुक पसंद है। डेविड बून्स। डेविड बून का किताब दो, लड़कियों को बहुत पसंद आता है। अबे ये डेविड बून सिंगुलर है या प्लूरल? अबे सिंगुलर राशि, किताब पे ध्यान दे, उसकी किताबें रोमांटिक होती हैं। अच्छा? डेविड बून्स, डेविड बून्स, डेविड बून्स। जरा प्लीज बुक्स उठा दो, मेरे हाथों में ऑलरेडी बुक्स हैं। इतनी किताबें क्यों उठा रखी हैं? लाइफ ऑन मास, यूनेस्को में सबमिट करने वाला हूँ मैं ये आर्टिकल, इसलिए पढ़ रहा हूँ। कितनी मेहनत करता हूँ जानती हो? ओके। ये तो भाव ही नहीं दे रही है। हे माया, डेविड बून्स की किताबें पढ़ती हो? क्या लिखते हैं, क्या वोकैबुलरी है उनकी। डेविड बून, मतलब अब वो क्रिकेट छोड़कर राइटर बन गए हैं। कब से? मुझे तो ऐसा याद नहीं। अगली बार किताब पढ़ो तो राइटर का नाम ध्यान रखना, वो मिल्स एंड बून्स है और खिलाड़ी का नाम डेविड बून्स है। इडियट। ये भी नो बॉल हो गया। इसे इंप्रेस करने से तो आसान मंगल ग्रह पर जाना होगा। शिवा, मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ हाँ, बोलो ना माया। अगली बार जब लाइब्रेरी आओगे मुझे बताओगे? हाँ हाँ, क्योंकि मैं तब नहीं आऊंगी। यहाँ तो हर कोई हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहता है। हाँ। अभी अभी होम मिनिस्टर का फोन आया था, वो अपने बच्चे के लिए एक सीट मांग रहे थे। सीट नहीं दी क्योंकि हाउसफुल है। हाँ, ओके ओके सर। हे भगवान, रवि कुमार सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पर आपके दर्शन अभी अभी हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कहीं आप रामपुर से तो नहीं? नहीं सर, मैं सोनपुर का हूँ। वो भी तो अपने जिले में ही है। रवि कुमार जी, मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ। सर, जब से आपने उस स्कूल में एज ए फिजिक्स टीचर ज्वाइन किया है, उस स्कूल को आपकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। पिछले साल फिजिक्स में 10 बच्चों के 100 मार्क्स आए। हमारे स्कूल में वी हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री टीचर, वी हैव अ वेरी गुड मैथ्स टीचर, लेकिन वी नीड अ वेरी गुड फिजिक्स टीचर लाइक यू। अब हमारे स्कूल में ज्वाइन करने का क्या लेंगे? सर दरअसल बात ये है, 5 लाख कैश ज्वाइनिंग से पहले और 1 लाख रुपया महीना। आप स्कूल स्टूडेंट्स की ट्यूशन स्कूल में ही ले सकते हैं और वो कमाई भी आप ही की। आपके उस कमाई में हमारे स्कूल का कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं जहाँ काम करता हूँ वो अच्छी तनख्वाह देते हैं। अगर हमने सरस्वती को बेचा तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। आपकी वाइफ का नाम क्या है? लक्ष्मी। वेरी गुड। आप अपने वाइफ के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए और फिर बताइए, हमें कोई जल्दी नहीं है। समझ गए?
एजुकेशन इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेस। सर मेरी बात तो सर आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर जाइए, वाइफ से डिस्कस कीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छा सा ब्लैक बोर्ड बनवाता हूँ। नंदिनी पिक्चर देखने चले? श्रीधर तुम घर वालों से हमारी शादी की बात कब करोगे? अरे जब प्यार मोहब्बत से दिल भर जाए तो शादी कर लेंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे बाप रे 40 मिस कॉल। गुस्से में होगी, बात कर लेता हूँ। कितनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? मैं तैर रहा था। मछली हो क्या जो तैरते रहते हो? अच्छा सुनो, शाम को कहीं बाहर चले क्या? अरे नहीं नहीं, एक काम करो तुम यहीं आ जाओ। मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, मैं नहीं आऊँगी। अरे आओ ना जान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम यहीं आ जाओ ना नंदिनी, हम मजे करेंगे। ओके यहीं रुको, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। बेबी हे अंदर क्यों आ रहे हो, निकलो यहाँ से। मैंने बोला था ना एक सरप्राइज है। मैंने कहा ना श्रीधर जाओ यहाँ से। अरे बेबी तुम नहीं जानना चाहोगे कि सरप्राइज क्या है? अंदर मत आओ श्रीधर, ये ठीक नहीं है, देखो कोई आ जाएगा। डरो मत जानू, मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा। ओ तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। नहीं श्रीधर करीब मत आओ, ये देखो तुम्हारा गिफ्ट। नरेश लाइट ऑफ करो। hey, मैं लाइट ऑफ करूंगा तो तू गेट कैसे खोलेगा? मुझे अंधेरे में सब दिखाई देता है। तुम रोज रात को 10 बजे आते हो, सिक्योरिटी को संभालना मुश्किल हो जाता है। अबे इतनी टेंशन मत लिया कर, किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो फिर कंपाउंड वॉल ठीक से बनाओ ना। अगर कंपाउंड वॉल बन गई तो तुम आना बंद कर दोगे? मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा स्कूल है, जब मन करे आओ भाई, लेकिन तुम्हारी डैडी की अगली फिल्म में मैं विलन बनूंगा, या तो प्रकाश राज या सेवक राम, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो। पिछली फिल्म में तुझे काम तो दिलाया था? अरे पिछली फिल्म में स्पॉट बॉय का काम दिया था, भाग भाग के चाय पिला रहा था लोगों को। अरे मुझे लगा स्पॉट बॉय के बाद मुझे विलन का रोल मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भोजपुरी के विलन? रोज रोज परेशान होने से अच्छा है मुझे एक चाबी दे दे, मैं खुद ही देख लूंगा। एक साल पहले मैंने तुम्हें चाबी दी थी और मुश्किल में पड़ गया था मैं। पंडित कितना सैड क्यों है, स्विम नहीं कर रहा? शिवा यार। शिवा उसका और तेरा क्या प्रॉब्लम है? नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन दूसरा कदम रखने वाले को कोई नहीं जानता। अबे चांद पर दो लोग गए थे। ए दूसरे नंबर पे आना कोई गलती है क्या? हमारे बीच केवल 2 नंबर का अंतर था। सेकंड रैंक है इसलिए मुझे कोई पहचानता नहीं, मैं भी फर्स्ट आना चाहता हूँ यार। श्रीधर सर तुझे फर्स्ट आ रहा है ना, समझ ले तू आ क्या बोला? नरेश मैम, मैम क्वेश्चन पेपर नंदिनी मैम, अल्जेब्रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैम। हाँ नरेश तुम लोग जाओ। ओके मैम, क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है क्या? आपसे एक मदद चाहिए मैम। ऑफ कोर्स टेल मी, जरूर करूंगी। शिवा इस बार फर्स्ट नहीं आना चाहिए, उसके बदले इस बार फर्स्ट घनश्याम आएगा। अगर वो अच्छा लिखेगा तो वही फर्स्ट आएगा। उसने अगर कुछ ना भी लिखा हो तब भी वही फर्स्ट आना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। व्हाट नॉनसेंस, मुझे धमकी दे रहे हो, प्रिंसिपल से कंप्लेन करूं तुम्हारी? हे मैम रुको, तो इतनी जल्दी भी क्या है? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे रास्ते से हटो। चलिए आपको एक 2 मिनट की फिल्म दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको कैमरा एंगल पसंद आएगा। तो घनश्याम ही फर्स्ट आना चाहिए, समझी नंदिनी? हेलो
सिखाया है कि मैं उसकी बात मानूं, वरना वो वीडियो वायरल कर देगा। तुम डरो मत, मैं उसे देख लूंगा। प्लीज कुछ करो शीतल। क्या हुआ? कुछ नहीं, घूर तो ऐसे रही है जैसे मैंने इसको छेड़ दिया हो। सौम्या ने अब तक फीस नहीं भरी, इसे हुआ क्या है? पता नहीं ऊपर क्यों जा रही है, जाकर देखती हूँ। सौम्या यहाँ क्या कर रही हो? माया, ये क्या करने जा रही थी तुम? चलो चलो नीचे चलो, तुम मेरे साथ चलो। माया, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अभी चलो। ये क्या? कुछ नहीं माया, माया प्लीज इसे मत मुझे देखने दो। माया छोड़ दो, सौम्या मुझे देखने दो ना, क्या है? एक मिनट जाओ ना प्लीज, मैं आती हूँ। मेरी मौत का कारण नरेश है? व्हाट इज दिस? बात क्या है सौम्या? बताओ सौम्या, काफी दिनों से तुम डिस्टर्ब लग रही हो। नोटिस बोर्ड पर मैंने देखा कि तुमने फीस भी नहीं भरी, क्या बात है? सौम्या रो मत, मुझे तो बताओ। जब मैंने पहली बार नरेश को देखा था तो वो मुझे अच्छा लगा था, मैं भी उसे अच्छी लगी थी। उसके साथ बिताया हुआ हर पल हसीन था, इसलिए हम स्कूल में ही नहीं उसके घर पर भी मिलते थे। हाँ वो अंदर है। मैं कई बार उसके डैड से भी मिली थी। इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा मुझसे प्यार करता है, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी, इसलिए वो जो भी कहता था मैं वो करती थी। लेकिन एक दिन ये वीडियो कब बनाया? जब तो मजे ले रही। इसे डिलीट करो प्लीज, इसे डिलीट करो। मजे ले लूं। स्कूल की कई लड़कियों की तरह मैं भी उसके प्यार में बेवकूफ बन गई। पैसे लाई? ए, देना। शराफत से वीडियो डिलीट कर दो। हाँ कर दूंगा, चल निकल। मन करता है तुम्हें मार डालूं। उसे पैसे देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। चलो। The third battle of Panipat took place on 14th January 1761 at Panipat, about 60 miles क्या कर रही हूं? North from Delhi, between a northern expeditionary force of the Maratha Empire and invading forces of the King of Afghanistan, Ahmad Shah Abdali, supported by two Indian allies. Okay students, कल मिलते हैं। चलो खा के आते हैं। हाँ चल चलते हैं। हाँ कुछ खा के आते हैं। चल। सौम्या, चलो। चल चल चलना रहा हूँ। चलो। तुम जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। चलो। सौम्या, listen to me, wait. नरेश, one minute. क्या? बोल। अरे बोलना क्या है? अम्मा चलो। सौम्या के बारे में बात करनी है। उसके बारे में तू क्या बात करेगी? नरेश और माया क्या बात कर रहे होंगे? नरेश, वो अब तुमसे नहीं मिलेगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुझे उससे क्या? चुप। बदतमीज, मैं जानती हूँ तू सौम्या को ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब छोड़ दे और इसी वक्त सब कुछ डिलीट कर। कहीं माया नरेश को तो पसंद नहीं करती? चल बे आसी, कैंटीन चलते हैं। नहीं, क्लास चलते हैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, या उधार ज्यादा बढ़ गया है? क्लास में नरेश और माया अकेले हैं। हाँ तो मस्ती करने दो उनको, तुम कंटीन चलो, भूख लगी है। पता नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। नरेश से माया को क्या बात करनी है? फर्स्ट वो तुमको लव नहीं करती है, सेकंड तुम डाउट कर रहे हो। इतना चिंता है तो जाके देख लो। डिसेंट नहीं लगेगा यार, आजकल डिसेंट लड़के नहीं पसंद है लड़कियों को। डिलीट डिलीट ही करना है ना, उसे आने के लिए बोल, नहीं तो तू आ जा, वीडियो डिलीट कर दूंगा। नरेश, मैं तुझे वॉर्न कर रही हूँ, तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं सौम्या की तरह डरपोक नहीं हूँ। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि तुम ही उसकी मौत की वजह हो। अगर तुमने उसे बार बार परेशान किया ना, तो वो ऊपर चली जाएगी और तुम अंदर। समझ गए? समझाऊं? हटे ना जरा, ठीक का बात कर रहे हैं बे? ए, कंपास घुसेड़ दिया रहे, भाई डेवलप कर रहे हैं क्या? हाय। अबे शिवा, क्या देखा? लड़कियां तो कान नाक छेदती है ना, ये नरेश को छेद रही थी बे। अरे यार तू साफ साफ बता ना, क्या बात है?
तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है यार। उन दोनों के बीच में प्रकार है और दोनों प्रकार के लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं पर क्यों? हमें क्या मालूम, लगता है प्रकार बहुत महंगा होगा। ओके लड़ने दो, मुझे लगा मेरा पता कट गया है ना। चलो पार्टी दो हमको, लिट्टी चोखा खाते। माया इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। छोड़ ना यार, छोटी सी बात है, इसके लिए टेंशन क्यों ले रहा है? आज अंश का बर्थडे है, पार्टी करते हैं, तेरे डैडी के फार्म हाउस चल के मजे करते हैं। क्या कहा, पार्टी है? हाँ। पहले जो चॉकलेट खाया उसका गिफ्ट दे। तेरे को गिफ्ट चाहिए, ये ले मेरी जान, एक टाइट। लड़की नहीं हो? अरे लड़की समझ के ले ले, मजा आएगा। ला ये डब्बा दे मुझे। सैम इसे पकड़। क्या प्लान है नरेश? तू बस एंगल अच्छा रखना। चल निकल। ए शालू कम हियर। क्या सैम? आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सैम। माया माया। हाय माया, प्लीज कम। हाय सैम, क्या बात है? टुडे इज माय बर्थडे। ओह रियली? या। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। टेक वन मोर। नहीं, डाइटिंग पर हूँ। कम ऑन सैम। माया, no gift to me? क्या गिफ्ट? I don't have anything. अगर पहले पता होता तो पक्का कुछ लाती। Okay, माया, तुम मुझे एक हक दोगी, वो ही बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। शिवा! सैम अपने हाथ में रहे। Hey! Idiot, अकल नहीं है? माया? कैसी गिरी हुई हरकत की तुमने? मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर तुम उसे हक कर हक करी थी ना, तो क्या हुआ, उसमें क्या गलत बात है? उसका बर्थडे था तो उसे विश करी थी। तुमने इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करके सबके सामने तमाशा कर दिया। बर्थडे पे विश करने में कोई गलती नहीं है, मगर उसका मकसद कुछ और था। तुम नहीं समझोगी, ये छिछोरा काम नरेश का ही होगा। ए सैम! नरेश का नाम लेकर तुम ये सब कर रहे हो, है ना? नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसे ब्लेम मत करो। यू आर नॉट माय फादर। मेरी बात तो सुनो। वो मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, मगर मैं उसे मोहब्बत करता रहूंगा। Come on, सब लोग अपने अपने क्लासेस में जाओ। चलो चलो जल्दी। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। क्या सेवक राम, ये हमारे स्कूल में इतने आवारा जानवर कहाँ से घुसा है? सर वो कंपाउंड वॉल नहीं बनी इसलिए वो अंदर आ गया है। अरे इतना तो हमें भी मालूम है, जाओ जाकर भागा के आओ जल्दी। सर मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे पहले इन्हें भगाओ फिर काम करना, जाओ जल्दी। जी अरे क्या कर रहे हो? यस सर। स्टूडेंट्स क्लास में जाओ, जल्दी जाओ। तुम डरो मत। अरे बोला ना मैंने, मैं उसे देख लूंगा। यस कम ऑन कम ऑन। माया
भगवान, क्यों मिस्टर श्रीधर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी ऐसे समय पर? अगर शिवा नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सर, ये एक छोटा सा हादसा था। एक्सीडेंट बताकर नहीं होता है श्रीधर, आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए, ऐसे एक्सक्यूजेस मत दीजिए। सर, माया ने गलत केमिकल मिक्स किया था इसीलिए ऐसा हुआ, और नरेश ने ही केमिकल बदला। ये तुम्हें कैसे मालूम? मुझे शिवा ने बताया। पर ये तो इल्जाम है, एक टीचर की तरह जिम्मेदारी लो। एक स्टूडेंट की तरह इसने कहा उसने कहा, ऐसे इल्जाम लगाने से थोड़ी चलता है। सच बात कहूँ तो आप बहुत केयरलेस है, सुनकर आपको बुरा लगेगा। सर, आप नरेश से पूछिए, उसी ने ये सब कुछ किया है। पर नरेश ही क्यों? आखिर नरेश ने आपका क्या बिगाड़ा है सर? उस दिन सारे स्टूडेंट्स के बीच में आप उसे मार रहे थे। देखिए, वो एक सुपरस्टार का बेटा है, ये मत भूल जाना, और हमारे स्कूल को उसकी जरूरत है। लेकिन सर, स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है। तुमने अपने लापरवाही से केमिकल डिपार्टमेंट को खुला छोड़ दिया और लैब में विस्फोट हो गया। मेरी बात तो सुनिए। नो, नरेश ने मुझे सब कुछ बताया। सर प्लीज सुनिए तो। सारी गलती तुम्हारी है, अभी तुम जाओ श्रीधर, और आगे से ऐसा ना हो इसका ख्याल रखना। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? नो थैंक्स। ओके। तेरे पापा की ज्वेलरी की दुकान है तो गोल्ड जेम ले गया है। बेहतर कुछ है ही नहीं। वो देख, वो नरेश जीतेगा। मैं स्टाइल दे नरेश की। आते हैं। क्या लग रहा है ऑटोग्राफ के लिए मैं जाऊं? सर, यस सर, मैं इधर ही आ रहा। अरे नीता, तुम्हें बुलाया है उधर रनिंग मिल में, यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आ रही हूँ मैं अभी। आ रही हूँ। तुमने कोच सर को देखा है क्या? अरे वो नहीं है, स्विमिंग पूल के पास है। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? हटो यहाँ से! क्या हुआ? हटो यहाँ से! क्या हुआ? हटो यहाँ से! हटो यहाँ से! क्या हो गया? हटो यहाँ से! हटो! डिस्पेंसर ले चलते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी पानी लेके आओ। देखते हैं। अरे बाप रे! अरे बेटा, आगे खोलो। अरे इसे क्या हुआ? इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। फूड पॉइजनिंग लगती है, जल्दी से स्कूल की डिस्पेंसरी लेके चलते हैं। चलो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा धूप के कारण बेहोश हो गया। दैट्स इट। आराम से, आराम से, संभल के ले जाओ। फूड पॉइजनिंग से मुंह में झाग थोड़ी आता है। इसने स्कूल कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक और समोसे खाए थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, कुछ ठंडा गरम लेंगे आप? कुछ भी दीजिए, लेकिन बिना मिलावट के। सीधे हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं। क्या कुछ हो गया है क्या? अगर कुछ हो गया होता तो चेयरमैन अभी जेल में होते हैं। पोस्टमार्टम में जहर निकला, ये कंफर्म हो चुका है। सर, नहीं नहीं, वो एक एक्सीडेंट है, बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या कहा? फूड पॉइजनिंग? आप प्रिंसिपल है, डॉक्टर नहीं। आप स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स से छुपा सकते हैं, पर मुझसे नहीं। 1.5 साल पहले स्कूल के स्विमिंग पूल में जो लड़की मरी थी, उस केस को भी मैंने ही एक्सीडेंट केस बनाया था। और 2 साल पहले एक बच्चे ने सुसाइड किया था, और उसने सुसाइड नोट में आपके स्कूल का नाम लिखा था। उस लेटर को मीडिया में लीक होने से मैंने ही बचाया। आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? अगर गड़े मुर्दे ना उखाड़ू तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। 2 लाख रुपए है। इसमें डॉक्टर्स का भी हिस्सा है, जानते हैं ना, महंगाई बढ़ गई है। 1 लाख और। कानून आपके साथ है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। चलता हूँ प्रिंसिपल साहब। क्या गोविंद राम, स्कूल को ISO सर्टिफिकेट दिलाने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे छोटे मामलों को तो आप खुद देख सकते हैं गोविंद राम जी। बिजनेस और पॉलिटिक्स में तो प्रॉब्लम है, पर स्कूल में तो नहीं। मुझे किसी भी हाल में ISO सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्या है, 100 में से सिर्फ 8 मार्क्स? बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होगी? माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? रियल एस्टेट का बिजनेस है सर। रियल एस्टेट। और माँ? माँ बैंक मैनेजर हैं। अब ठीक से मेहनत करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। जी सर। इंदु। सर। आस्क योर पेरेंट्स टू कम। सर, हम इंदु के पेरेंट्स हैं, आप हमसे मिलना चाहते थे। इंदु 22 दिनों से स्कूल नहीं आई है। क्या बोल रहे हैं आप, 22 दिनों से इंदु स्कूल नहीं आई है? हमने स्कूल को लाखों रुपए की फीस दी है, मुझे आपके प्रिंसिपल को मिलना है। मैडम प्लीज, ये बात ठीक नहीं है, मुझे चेयरमैन से मिलना है।
वही गैर जिम्मेदार माँ बाप। बच्चा जब पैदा होता है तो गोद में उठा के दुलारते हैं और जब चलने लगता है तो उसे स्कूल भेजकर ये सोचते हैं कि चलो भाई हमारी जिम्मेदारी तो अब खत्म हो गई। हर महीने फीस भरने से कुछ नहीं होता है। नर्सरी में टीचर, पांचवी में टीचर, दसवीं में टीचर और अब मैं। आगे कॉलेज में उसे कोई और टीचर पढ़ाएगा। देखिए टीचर्स बदलते रहते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं, कभी भी नहीं बदलते। अगर वाकई आपको बच्चे की फिक्र है तो उसे अभी से सही और गलत के बीच का फर्क समझाइए। ये इतना आसान नहीं है, आप उसके दोस्त बनकर उसे ये समझाइए तब जाकर होगा। इंदु बहुत ही अच्छी लड़की है इसीलिए आपको यहां बुलाया। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट लूज योर डॉटर। सच्चाई बताओगी तो तुम भी फंसोगी। बेकार में पुरानी बातें मत करो, बात को समझो। सखाराम, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो साइंस लैब है ना? हाँ? मुझे उसकी चाबी चाहिए। प्रैक्टिकल करने जा रहे हो तुम? अबे तुझे उससे क्या, मुझे चाबी देना। मैं चाबी नहीं दूंगा। चाबी देगा या नहीं? ये देखो हीरो को गुस्सा आ रहा है। तू चाबी नहीं देगा तो क्या मुझे चाबी नहीं मिलेगी? देख मैं कैसे चाबी निकलवाता हूँ। तू मुझे धमकी दे रहा है, कान के नीचे बजा दूंगा समझा? प्रिंसिपल से क्या के आज ही तुझे नौकरी से निकलवाता हूँ। तेरी इस धमकी से डरता नहीं हूँ मैं, जा जिससे कंप्लेंट करनी है कर दे। अबे तेरी कोई औकात नहीं है और मुझसे पंगा ले रहा है, देख लूंगा तुझे। अबे दफा हो जा नहीं तो चांद से मार दूंगा समझा। मुझे दो। ये क्या है, तुम अपना क्वेश्चन छोड़ कुछ और कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट सर, एक नया आविष्कार कर रहा हूँ साइंस फेस्ट के लिए। नया केमिकल बनाया मैंने, खुद चेक कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट बाद में करना, ये टेस्ट है। सही प्रैक्टिकल करो वरना फेल हो जाओगे। फेल? मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ सर। व्हाट? और आप कब काम आएंगे? आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? श्रीधर सर, मेरी हेल्प करना तो आपकी मजबूरी है। तो मुझे धमका रहा है, मेरी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको क्यों धमकाऊंगा? पिक्चर तो आप देख ही चुके हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैं तेरे साथ क्या करूंगा तू खुद नहीं जानता। माया 56, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगी। मोहित 42, हे भोले एग्जाम में नाम मिले हों गोले। क्या क्या शाम पास कर देना। 75, नेपोलियन मट्टू। आपके हमारे बीच का कनेक्शन कौन तोड़ रहा है? नेपोलियन। यस मैम। रंजीत क्या, कितने मार्क्स मिले? 61। गीता क्या कर रहे हैं? 36। क्या है, अगली बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क्स आएंगे। 62। लगता है मैम ने ज्यादा टिका ली थी इसलिए पास कर दिया, वरना हम फेल हो जाते। लगता है यार मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा। रिलैक्स यार, डोंट वरी। तू क्या कोई जादूगर है? उससे भी ऊपर, भगवान हूँ मैं। देख उधर नरेश 48, शिवा 95, इनफ घनश्याम 97। मैम। यस घनश्याम, शायद आपने टोटलिंग गलत कर दी। तुम कहना चाहते हो कि मेरी टोटलिंग में गलती है? नहीं मैम, मैं दिस इज योर लिमिट शिवा। चेक करने में गलत क्या है? गलत नहीं है लेकिन मैं घनश्याम की टोटलिंग फिर से नहीं करने वाली, समझ गए? मैम प्लीज मैम। तुम घर आकर शादी की बात कब करोगे? नंदिनी, माँ बाबूजी भैया के घर गए हैं, उन्हें लौटने में 3 महीने लगेंगे, बात को समझो। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। आज मार्क्स देने के लिए धमकी दे रहा है, कल पता नहीं क्या क्या करेगा। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम तो खामखा घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है, मैं चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। डोंट कॉल मी अगेन श्रीधर। नंदिनी, नंदिनी
वेरी गुड, अच्छा फैसला लिया आपने। इसकी वजह लक्ष्मी, इसीलिए वाइफ से पूछने को कहा था मैंने। पत्नी ही लक्ष्मी है और लक्ष्मी ही पत्नी है। आज से ये स्कूल तुम्हारा स्कूल। हमारा स्कूल। अरे हाथ तो मिलाओ सर। मैं कमिंग सर। आ जाओ। कर लिए। अबे लघु शंका पे किसी का जोर थोड़ी ना है। ए नरेश फोन देना है। नरेश देना यार, प्लीज यार दे दे यार, मन कर रहा है गेम खेलने का। बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया है, इसे लिख लो। ए दिखाना। और ध्यान रहे एग्जाम में यही आने वाला है। सर 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 फोन दे दीजिए सर। फोन में वीडियो गेम खेल रहे हैं। नहीं नहीं सर। अपने पेरेंट्स को ले आना और फोन ले जाना, ठीक है? इट्स माय फोन। सजा इस विनोद को दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ से फोन छीनो? लाओ तो। फोन नहीं दूंगा मैं। नरेश अपना फोन मुझे दे दो। गेम ये खेल रहा था, फोन ने क्या किया? सजा देनी तो उसको दो। लाओ फोन मुझे दो। नहीं देता। फोन नहीं दूंगा। दो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, चल निकल। मेरा फोन। मैंने कहा निकल बाहर, निकल। हाथ मत लगाओ। तू रॉक किसे दिखाता है? बताता हूँ टीचर क्या। मैंने कहा हाथ मत चला। चल बाहर निकल, चल। स्कूल को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। क्या हुआ क्या हुआ? हटो हटो, पीछे हटो। नरेश क्या हुआ बेटा? उठो उठो उठो। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो सर। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मिस्टर सिद्धार्थ ये सब क्या हो रहा है? आपने इसे क्यों मारा? प्लीज जवाब दीजिए। सर क्लास में बैठकर गेम खेल रहा था और पूछने पर हाथ उठाया। क्या ये मैंने सच है? कुछ नहीं किया सर, गेम विनोद खेल रहा था और ये मार मुझे रहे। क्लास में आप किसी से भी पूछ लीजिए। मिस्टर सिद्धार्थ स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ, गिव इट टू मी। सर आई टोल्ड यू, गिव इट टू मी। सर आप ठीक नहीं कर रहे। लो और जाओ अपने क्लास में। क्लास में मोबाइल यूज मत करना। आप इधर आइए। एक छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं आप? आप जानते हैं ना लड़का कौन है? सुपरस्टार रमाकांत का बेटा है वो। कल अगर उसे कुछ हो गया तो ये मीडिया वाले न्यूज चला चला कर हमारी जान ले लेंगे। तो और कितना बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त करना होगा हमें। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल को फेमस बनाते हैं, समझा करो यार। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। गो गो टू योर क्लास, प्लीज गो। जाइए जाइए आप। देखा सर कैसे नासमझ की तरह बिहेव कर रहे हैं। फाइल आओ। क्लास में फोन का इस्तेमाल करना गलत है सर। सब लोग इसे कॉपी में लिख लो। मरने ना एक बात। हाँ, बोलो। वो क्या है ना, सपना के बाबू ठुक गए हैं, अस्पताल में पड़े बेचारे। सपना कुमारी, उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ। यो 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 यो, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। चलो चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। What? What happened to my dad? How? Where? मार्केट में। मार्केट? नेहरू मार्केट में। Is he fine? अरे ठुक गया तेरा बाबू। तुमने देखा क्या? अरे देखा क्या, भर्ती मैंने कराया। Which hospital? अरे चोपड़ा हॉस्पिटल। मेरे डैड 3 महीने से बैंकॉक में है। तेरे बापू का बापू होगा वो लंबे बाल थे उसके। And who are you? रे मन्ने भूल गई तू, तेरा आशिक। रे 6 महीने तेरे पीछे पड़ा हूँ। I love you. You rat. अरे मम्मे। हमारे स्कूल लड़की को छेड़ता है। मार छिंगे। अंदर आके छेड़ता है लड़कियों को। हाँ। अरे मार के रहा है चौधरी को। अरे जाने ना तू मन्ने। अरे प्यार करूं मैं बात चोरी से, चल रहे हो ना सारे के सारे। हमारे स्कूल की लड़कियों पर सिर्फ हमारा हक है। अरे 100 रुपए की कटिंग कराइए, बाल मत खराब कर। अबे अपनी शक्ल देखिए, इसमें करंट लगा रखा है। छोड़ूंगा नहीं तन्ने। हमारे स्कूल में आके हमको धमकाता है। मारो उसको, मारो। अरे देखूंगा मैं, एक एक मैं विधायक है मेरे ताऊ। मैं मन्ने मन्ने मारा ना, प्यार करूं मैं चोरी से। अरे अपने भैया को लेकर आऊं, वही तुम्हें धरेगा एक एक करके। चलना निकल, चल। जाके किसी को भी लेके आ जा, हम यही मिलेंगे। अरे नरेश तेरे को तो एक दिन मार डालूंगा। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, तुम सब लोग अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ बराबर है कि नहीं चेक कर लो। यही डिटेल्स सर्टिफिकेट में आएंगे। नरेश, इज योर फादर्स नेम रमाकांत? यस मैम। साइलेंस, व्हाट इज सो फनी अबाउट दिस? डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 1998? यस मैम। सैम डैनियल, फादर्स नेम जोसेफ डैनियल? यस मैम। डेट ऑफ बर्थ 20th? अरे कल तुम्हारा बर्थडे था। हाँ मैम। हम लोगों को पार्टी नहीं दिया? वो क्या है मैम, कल संडे था इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। कल पार्टी देता हूँ ना। लेट्स ऑल विश हिम हैप्पी बर्थडे। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, गेट अप। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस
दे दूं वही बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। What do you wanna have? And you? और तुम्हें? Jesus. इतने दिनों में पहली बार आज मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखा। अपनी 2 साल की मेहनत के बाद लाइफ ऑन मार्स की थीसिस फाइनली मैंने कंप्लीट कर दी। शिवा के सबमिट किए हुए थीसिस को देखकर यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दे दी है। ये हमारे VRS स्कूल की सभी शाखाओं के लिए गौरव की बात है। We are very happy about this. जाओ लाइन में लग जाओ। थैंक यू सर। और अब आप सभी के लिए एक और खुशखबरी, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसे जल्दी ही ISO का सर्टिफिकेट मिलने वाला है और ISO की टीम हमारे स्कूल में इस मंडे को आने वाली है। बी रेडी। अब हम सबको मिलकर इस स्कूल शिवा पूरी दुनिया में 2 साल से रिसर्च किए थीसिस पेपर को तुझे संभाल के रखना चाहिए यार, ऐसे खुले में मत रखा कर, तेरे दुश्मन उसका फायदा उठा सकते हैं। अव्वल है, सबसे अव्वल। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इसी मंडे हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन की आने वाली है। मेरी थीसिस। ओह नो। तो सभी बच्चे रेडी हो जाए और अपने अपने काम में तत्पर हो जाए। अरे क्या हो रहा है? अरे वहाँ क्या हो रहा है? अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग? इतनी हिम्मत? अरे रुको, अरे ये दोनों लड़ रहे हैं। अरे नीचे क्या कर रहे हैं? छुड़ाओ उसे। हेलो बच्चों, अरे चलो चलो क्या कर रहे हो? जल्दी जाइए, छोड़ो उसे। अरे क्या हो गया? चलो रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? आजा आजा। क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हम तो नहीं बचेगा।救着他！救着他！啊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 
इसने मेरी तीसरी जला दी सर। क्या तुमने देखा कि उसने जलाया? इसने खुद मुझसे कहा सर। बोलो नरेश। मैं खुद जला के इसको क्यों बोलूंगा सर? झूठ मत बोल। डोंट एक्ट टू स्मार्ट। तुम दोनों की झगड़े की वजह से इस पूरे स्कूल का माहौल खराब हो गया है। और कल जब तुम आओगे अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर आना। तुम भी लेकर आना। सही है। कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। मैं क्यों लेकर आऊँ? पनिशमेंट तो इस शिवा को मिलनी चाहिए। कितना डैमेज हुआ है बताओ? एक चेक में क्लियर कर दूंगा। जरा तमीज से बात करो। हम जानते हैं हमें क्या करना है। उस पर यकीन नहीं है तो नंदिनी मैम से पूछ लीजिए कि क्लास में शिवा का बर्ताव कैसा है। क्या नरेश सच कह रहा है? सबको सच बताइए मैम। बोलिए ना। हाँ सर। अब तो यकीन हुआ ना सर। शिवा तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो इसलिए हम तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। पर ये सारे टीचर्स अब तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। From the last 2 years, I've been working hard on this thesis, sir. Next week, अब मैं क्या प्रेजेंट करूंगा? सब उस थीसिस में था, जो इसने जला दिया. Now, how will I go, sir? शिवा, थीसिस को दोबारा बना सकते हैं, पर इसके लिए ऐसे मारना ठीक है? He's an innocent boy. ये और innocent boy, sir. इसको तो मैं मार डालूंगा. अरे अरे, 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 गलती शायद तुम्हारी नहीं है, फिर भी स्कूल का एक कायदा कानून है, तुम्हें उस दायरे में रहना चाहिए. फिर ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हारे पापा को बुलाने पे मजबूर हो जाऊंगा। मैं अपने डैड की नहीं सुनता। चाहो तो मुझे टीसी दे दो, मैं किसी और स्कूल में चला जाऊंगा। hey, देखा सर आपने ये कैसे बात कर रहा है? मुझे तो लगता है इसी ने चलाया। श्रीधर, आप चुप रहिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। आफ्टर ऑल आई एम द प्रिंसिपल। चलो जाओ, सब अपने क्लास में जाओ। चलो कम ऑन, मूव, गो बैक टू योर क्लासेस। चलिए चलिए, मेरे पास सब चले जाइए क्लास में। जाओ। नंदिनी यार मेरी बात तो सुनो। नंदिनी कम से कम मुझसे बात तो करो। क्या हो गया तुम्हें? बेबी बोला ना डोंट टच। कम से कम बात तो करो। फंस गए वो काफी नहीं है? आखिर उसके पास हमारा वीडियो है श्रीधर, और वो धमकी दे रहा है। तुमने अभी तक उसका कोई इलाज ही नहीं किया है। तुम उस छोटे से बच्चे से डर रही हो? कौन छोटा बच्चा है? वो बहुत बड़ा चालबाज है श्रीधर। अगर हम लोगों का वीडियो बाहर आ गया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। नंदिनी नंदिनी मेरी बात तो सुनो। टाइम तो हो गया मगर मैडम अभी तक नहीं आई। ठीक से नमस्ते करना। भगवान मेरी इज्जत बचा ले। बच्चों को पूरी तरह से सिखा दिया ना? सुनो बच्चों, मैडम के आते ही उन्हें बुके देकर वेलकम मैडम कहना है, समझ गए ना? मैडम पूरा स्कूल रेडी है ना? चिंता मत करिए, सब ओके है। ठीक से संभाल लेना बस। अब पौधे सही से लगा, गेम खिलवा लो बस 24 घंटे। सही से लगा, बैठ के गड्ढा खोद। हाँ अंदर तक चल बैठ। अरे सर बहुत जोर की लगी है सर। मैं लगाऊं क्या? बढ़ जाएगी सर। मैडम वेलकम, मैं यहाँ का प्रिंसिपल गोविंद राम। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हेलो मैम, वेलकम टू आवर स्कूल। थैंक यू। आइए। हाय सर, आइए मैडम। ओके आइए। हे शिवा, हे शिवा, वो नरेश है ना? सच में? सच बोल रहा हूँ यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जाके देख लूंगा। ओह, तो ये लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है? यही है मैडम शिवा, 10th में जब फर्स्ट आया था तब ये तस्वीर ली थी। अब प्लस टू में भी ये फर्स्ट आएगा, ऐसा हमें पूरा यकीन है। ठीक कहा ना? सही कहा सर। जाइए शिवा को बुलाइए। नो नो नो, ऐसे स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम खुद उसकी क्लास में चलते हैं। यू आर करेक्ट मैम। यस, लेट्स गो मिस्टर रॉजर नडाल। मेरा नाम गोविंद राम है जी। ओह मिस्टर, चलिए आइए।
मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं आया तब ये मरा पड़ा था। मेरा विश्वास करो। हेलो, मैं अरविंद इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन अन्ना स्वामी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरे स्कूल के टीचर्स को खरीद रहे हो, ये अच्छा नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। स्कूल के धंधे में तुम लोग कल ही पैदा हुए हो और इस स्कूल के धंधे का मैं सालों से राजा हूँ। तुम भी बिजनेस करते हो और मैं भी। मेरे से पंगा मत ले, समझा ना। जब एक हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती तो हमारा बिजनेस करने का तरीका सेम कैसे हो सकता है। मैं जानता हूँ कि तेरे स्कूल को ISO सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। ए, क्या कर लेगा तू? तेरे सारे स्कूल्स को कैसे बंद करवाना है मैं जानता हूँ। तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। ठीक है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जोर से मारो। सर सर सर, हमको बहुत जोर लगा है यार। कोई बहाना नहीं, पौधे लगाओ। पौधे नहीं, हमको लगी है सर। रोक के रख। बच्चे की जान लेगा क्या? कहाँ लेके आ गए बे? अरे भाई, बड़े बड़े जेल देखे तन्ने, स्कूल से क्या डर रहे से? अरे बाहर मिलता तो मारते, यहाँ डर लग रहा है। मैं तेरे साथ हूँ ना, क्यों डर रहा है? जब तक तुम्हारा खिलाड़ी जिंदा है ना, तुम्हें कोई आउट नहीं कर सकता। अरे भाई, वो तो वैसे ही डरपोक है। अरे भाई, आप साथ होंगे ना, उस बहन के भाई को चीर डालेंगे। अरे मारे सपना के सामने उन बाल करने मन ने मारा। इंसल्ट हो गया भाई। रोमा ढक्कन, तेरा लव गुरु है ना यहाँ? अबे सच में ये स्कूल ही है ना? स्कूल नहीं, होटल लगता है ना। अबे चल चल चल, चुप चुप चुप, इधर पकड़ो इधर। अरे भाग कर रहे हैं बॉस। अबे जुबान पे लगाम लगा बे। अरे पाछे हो पाछे। अरे प्रिंसिपल लाग रहा है वो। कैसे छुप रहे हैं? अरे परे हो जा ताऊ। राजेश्वरी मैडम जी, इस पूरे शहर में हमारा स्कूल ही नंबर वन है। okay. सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर स्ट्रांग बने। पर हमारी कैपेसिटी कितनी है तो आप जानती हैं। अब आप हमारे स्कूल को ISO स्टेटस देने वाली हैं। ये सुनकर और सोचकर न जाने क्यों मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है। अभी ये पुलिस चौकी है क्या बे? वर्दियां टंगी है? आइडिया आया? स्कूल का कैंपस पूरे 20 एकड़ में है। 400 क्लासरूम्स हैं इसमें, 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनाए हुए हैं हमने। अगर आप पूरा स्कूल देखने जाएंगी ना मैडम, तो आपको पूरे 2 दिन लगेंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि 2 दिन क्यों बर्बाद करूं, झट से साइन कर दूं, है ना मिस्टर छछुंदर? मिस्टर छछुंदर गोरिल्ला गोविंद राम। हाँ हाँ मिस्टर काला जावो ना, आपके स्कूल में सभी फैसिलिटीज हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है कि नहीं, इसीलिए इंस्पेक्शन हो रहा है। लगता है पैसा बहुत ज्यादा कमा लिया है। मैडम इनसे मिलिए, ये है मिस्टर एंथोनी गोंजाल्वेस। हेलो। IIT में कंप्यूटर एक्सपर्ट थे ये। अच्छा, नाइस टू मीट यू मैडम। अब नमस्ते। चलिए लेट्स गो। जब मैं आया तभी ये मरा पड़ा था। मेरा विश्वास करो। माया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। माया मेरा विश्वास करो, मैंने खून नहीं किया है। माया यकीन करो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, हमारे बीच झगड़ा भी हुआ था, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा है। माया मेरा विश्वास करो प्लीज, मैंने नहीं मारा है। मैडम मैडम, यहाँ से अगर आप हमारे स्कूल को देखेंगी ना तो आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। मैं क्या ये स्कूल खरीदने आई हूँ मिस्टर सड़ा? मैं गोविंद राम मुझी। तुम ये क्या कर रही हो माया?
नरेश को तुमने ही मारा है शिवा। मैंने कहा ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है। मेरे सिवा तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, यहाँ सब तुम्हें ही खूनी कहेंगे। तुम्हारे और नरेश के झगड़े के बारे में पूरा स्कूल जानता है। 4 दिन पहले तुमने उसे मारने की धमकी भी दी थी, इसीलिए सब तुम्हें इसका कातिल कहेंगे। ऐसा कोई नहीं कहेगा। कहेंगे, क्योंकि मौकाई वारदात पर लाश के पास तुम ही थे। और तो और, इस पूरे कमरे में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं और फुटप्रिंट्स भी हैं। देखो, रिसेस खत्म हुए 10 मिनट ही हुए हैं, खूनी अभी भी स्कूल कैंपस में ही होगा। अगर हम चाहे तो उस खूनी को आराम से पकड़ सकते हैं शिवा। तुम्हारे पापा पुलिस में है, तुम नहीं हो। खूनी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है माया, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन माया का सिक्स सेंस ये कह रहा है कि नरेश के खून में तुम ही अंदर जाओगे और मैं तुम्हें वहां मिलने आऊंगी। ए बॉस, देखा कमरे पे कैमरा, बिग टॉस चल रहा है इधर। अपने स्कूल के बारे में क्या क्या अच्छा बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एग रोल करके बाहर कैसे आ गया? सर, सर आप जाके अंदर संभालिए, जाइए। ये बच्चे क्या ठूस रहे हैं? मैडम, और इस वक्त हमारे खा रहे हैं? जमीन से जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए बैठ के खा रहे हैं। प्लीज मूव। देखिए, हमारा स्कूल डेमोक्रेटिक है, किसी भी चीज के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट हमारे कैंटीन में जो अंडे आते हैं ना, डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम मुर्गी का पेट, फुल ऑफ प्रोटीन। क्या मैं एक ट्रक आपके घर भेज दूं मैडम? व्हाट? ओके मिस्टर मिर्ची बम। नहीं नहीं, गोविंद राम। हाँ, काला बम कैंटीन देखते हैं। मैडम, शिवा से मिलना है ना, मिलकर चलते हैं। वो इसी स्कूल में पढ़ता है ना, तो कहीं नहीं जाने वाला। कहीं नहीं जाएगा। तो जल्दी क्या है? ओके माया, आई ट्रस्ट यू। अगर वो खूनी कैंपस छोड़ के चला गया होगा तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वो जा ही नहीं सकता, यही होगा। I'll tell you how. But 11:30 तक नरेश जिंदा था और अब टाइम है 11:40। तुम क्लास के अंदर 11:38 पर आए, इसका मतलब उसका खून इन 8 मिनटों में ही हुआ होगा, और वो भी रिसेस होने के बाद ही ये खून हुआ है। नमस्ते। आलू पूरी खस्ते? मेन गेट। हमारी क्लास डी ब्लॉक अप फ्लोर पर है। यहाँ से मेन गेट तक जाने के लिए पूरे 15 मिनट लगते हैं, दौड़कर जाओ तो भी 10 मिनट लगेंगे। इतना ही नहीं, आज ISO इंस्पेक्शन की वजह से मेन गेट को बंद कर दिया होगा, मतलब बाहर कोई नहीं जा सकता। अगर कंपाउंड वॉल से कूद के चला गया हो? वी आर ऑन ग्राउंड फ्लोर शिवा, और हमें क्रॉस करके कोई नहीं जा सकता। और हाँ शिवा, किलर खून से सने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकता, तो किलर अब भी कैंपस के अंदर ही होगा। ए, फोन उठाने में इतना टाइम लगता है, कहाँ है तू? तुम्हारी बात मानू तो अभी हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ मिला के कुल 4,000 लोग होंगे माया, इनमें से किलर को कैसे ढूंढेंगे? नरेश का खून करने वाला आदमी कम से कम 6 फुट का तो होगा ही, और उसका वेट भी 80 किलोज होगा। इसका मतलब किलर एक एडल्ट है, तो 3,500 स्टूडेंट्स रिजेक्टेड। बाकी लोगों में से लेडी टीचर्स, बूढ़ों को रिजेक्ट कर दे तो उनमें से बचे सिर्फ 30-40 लोग ही हैं, और उन्हीं में से किसी ने मर्डर किया है। बाहर से भी तो कोई आके खून कर सकता है। ऐसा करना होता तो वो बाहर ही मार देता, यहाँ स्कूल में आकर मर्डर क्यों करता वो? What, Mr. Gonzalez? मैडम, अंडा अंडा कह के मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना, अब वो अंडा आपके रिजल्ट में आएगा। Put it. मैडम, आपको अंडे नहीं चाहिए ट्रक भर के? No explanation, Mr. Gonzalez. शिवा, खूनी नरेश का करीबी ही होगा। इसका करीबी इसे क्यों मारेगा? लेकिन बदला लेने के लिए भी तो इसे मार सकता है ना, पर हाँ, पैसों के लिए खून नहीं किया। देखो, इसकी गोल्ड चेन और उसकी घड़ी यहीं पर है, तो नरेश की जान लेने की जरूर कोई और वजह है। कोई और वजह? माया, जरूरी नहीं है कि किलर एक ही हो, हो सकता है कि दो लोगों ने किया हो। सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन हमें जवाब सिर्फ एक ही चाहिए, Who is the killer? रुको बे, मैं अभी अभी बाहर आया हूँ, दोबारा जेल नहीं जाऊंगा, समझा? भेजे में डाल ले, चलो अभी निकलते हैं। हो तुम, चलो ना साथ में, डेरिंग बाजी करते चलो। हाँ, सीधे सीधे चल, जोड़ी कर लो। हाँ, यो। जय हिंद। ये ओरिजिनल जय हिंद तो नहीं लगता है, दाल में जरूर कुछ काला है। एडमिन ब्लॉक में जाकर टीचर और स्टाफ की लिस्ट में से हमें जिन 40 लोगों की जानकारी चाहिए उन्हें शॉर्टलिस्ट करते हैं। लेट्स गो। अगर मैं इस तरह निकला तो लोग तुम्हारी तरह मुझे ही खूनी समझेंगे।
तुम भी यही सोचने लगे। मेरे बैग में एक हाउस टी-शर्ट है, दो ना, मैं चेंज करता हूँ। माया प्लीज जल्दी करो ना। या माया लेट्स गो। अगर हमारे जाने के बाद यहाँ कोई आ गया तो प्रोजेक्टर ऑन करके वॉल्यूम फुल कर दो, क्लास चल रही है ये सोचकर कोई नहीं आएगा। ओके। सिट डाउन। ये क्या स्टूडेंट क्लास ले रही है, टीचर कहाँ है? ये है ना। हेलो। यही है हमारे स्कूल के दी बेस्ट बायोलॉजी टीचर मिस्टर के सुंदरनाथ। नमस्ते। टेंथ के लिए टीचर्स की कमी है? नो, हेवी स्ट्रेंथ। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए, इसीलिए सर की ये फ्रेंडली अप्रोच है। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। मेरे हाथ खून से रंगे, पहले मैं हाथ धो लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है? यहाँ गोंसाल्विस कौन है? आज स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा है, इसलिए वो थर्ड ब्लॉक में है अपनी टीम के साथ। उधर आप सीधे जाके राइट मुड़ जाइए और ऊपर जाकर के थर्ड ब्लॉक है। जी जी। कम ऑन शिवा, जल्दी करो। चलो क्या, कम ऑन। नहीं रुको रुको, अंदर आओ, अंदर आओ। Come, let's follow him. नरेश की बॉडी को दफनाने वाला है। हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या बात है माया, मैंने सोचा नहीं था तुम खूनी को इतनी जल्दी पकड़ लोगी। लगता है दफनाने जाना है, चलो उसे पकड़ते हैं। या लेट्स गो। सेवकराम। ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ क्लास में जाओ। हमें भेजकर तुम सच छुपाना चाहते हो? माया तुम जाओ, सबको लेके आओ, मैं इसको भागने नहीं दूंगा। तुम लोग समझने की कोशिश करो, मैं सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसमें क्या भलाई, खूनी कभी बच नहीं सकता। अगर मैं इसे नहीं मारता तो स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। शिवा तुम यही रुको, मैं प्रिंसिपल को लाती हूँ। हाँ हाँ उनको बुलाओ, अगर उन्हें खबर लगेगी तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम लोग ये नहीं समझोगे, अगर मैं इस जानवर को नहीं मारता ना तो आज जो इंस्पेक्शन है वो खराब हो जाता। जानवर है? ये बात तुम किसी को मत बताना, ये स्कूल की इज्जत की बात है, समझ रहे हो ना तुम लोग? जाओ अब तुम लोग क्लास में जाओ। गाइस एक हेल्प चाहिए था, 12th A कहाँ है? 12th काम क्या है? पिज्जा ऑर्डर किया है। अबे मुझे दे दे, मैं दे दूंगा। क्या दे देंगे? हाँ दे दूंगा, लीजिए। अबे चिकन है कि नहीं? जी चिकन ही है। ये लीजिए। ये पर्ची का है कि? कितना है? 1200। 1200 रुपए। अरे बावड़े पूछ, 1000 में चावल का बोरा आ जाए, पिज्जा खिला रहा 1200 में। तुम लोगों ने पहले पिज्जा नहीं खाया क्या? तूने कौन से 12th के बारे में पूछा? मैं 12th है, एक ही क्लास होगी ना। ये ले मैदे की रोटी पकड़, हम तो 8th के हैं। क्या क्या ऐसे मुझे खिलाड़ी नहीं कहते? अरे सब संभाल लिया भाई तन्ने। शिवा एक मिनट रुको। क्या बात है यार,
हमें जल्दी से एडमिन ब्लॉक में जाके 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है। पहले ही उस सेवक राम के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो असली खूनी सामने होगा तो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। हमें फिर से क्लास जाना होगा। फिर से? मगर क्यों? किलर जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ कर गया होगा। इट्स अ थंब रूल ऑफ अ क्राइम सीन। तुम उस तरफ देखो। यहाँ देखने से अच्छा एडमिन ब्लॉक में देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं शिवा। नरेश के बैग में सिर्फ बुक्स और लैपटॉप चार्जर हैं। डेस्क पर भी कुछ नहीं है माया। अच्छी तरह से देखो शिवा, कुछ तो जरूर मिलेगा। किलर ने मर्डर के लिए पेंसिल का इस्तेमाल क्यों किया? Why पेंसिल? यही समझ नहीं आ रहा। माया? हाँ? क्या हुआ शिवा? मुझे लगता है तुम खूनी को नहीं पकड़ पाओगी। एक किलर के कॉलर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो माया। मर्डर प्रूफ करने के लिए कोई तो सबूत चाहिए शिवा। ये तो नरेश का ईयरफोन है ना, लेकिन यहाँ क्यों पड़ा है? देखो उसके पास सेलफोन है क्या? देखो। नहीं, इसकी पॉकेट में सेलफोन नहीं है। शायद किसी ने ले लिया होगा। इसका मतलब है किलर को नरेश का सेलफोन चाहिए था। चाहिए था या नहीं चाहिए था, जब तक खूनी नहीं मिल जाता तब तक मैं ही किलर हूँ माया। सीसीटीवी में मेरा आना जाना भी रिकॉर्ड हो गया होगा। सब मुझे ही खूनी समझेंगे। करेक्ट। इसका मतलब सीसीटीवी में किलर का आना भी रिकॉर्ड हुआ होगा, है ना? सही कहा। लेट्स गो टू सीसीटीवी रूम, कम ऑन। इट्स लॉक्ड, अब क्या करें? जरा एक मिनट रुको, देखो कोई आ तो नहीं रहा। क्यों, क्या करने वाली हो? हे, तुमने ताले खोलना कहाँ से सीखा? यूट्यूब पे वीडियोस देखे, वहीं से सीखा है मैंने। इसके इंचार्ज गोंसाल्वेस सर है ना? देखो शिवा, इस वक्त तो हम ही इसके इंचार्ज है। चले। वाओ। इसका पासवर्ड क्या होगा? Try Jesus। उनका पूरा नाम क्या है? Anthony Gonzalez। Anthony Gonzalez। क्या टाइप कर रहे हो? एक मिनट, Godzilla। Yes। Yes। Main gate. That's A block. This is C. Go to D. The other one. It's a corridor. Come on now. Go to 1130. No video? Oh no. Corridor's camera 26, 27, 28, 1130 से 1138 तक off है. कुछ भी record नहीं हुआ है. मैं class में 1138 को आया. उसके बाद की ही footage है. यहाँ देखो. 1138 को सीसीटीवी कैमरा ऑन हुआ है। ये देखो मेरा वीडियो। सो किलर ने सीसीटीवी कैमरा को ऑफ करके ही खून किया है माया। उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑन कर दिए। इसका मतलब खूनी स्कूल के बारे में सब जानता है। You mean Godzilla? No, no. वो सिर्फ दिखने में Godzilla है। लेकिन उनके कंट्रोल में ही तो है ना ये सिक्योरिटी सिस्टम। कोई और भी तो एक्सेस कर सकता है हमारी तरह। इसका मतलब लैब कॉरिडोर के कैमरे में जरूर होगा। Yes. F ब्लॉक में जाओ। कैमरा नंबर 367। नंदिनी मैम? उस दिन नंदिनी मैम ने क्लास में मुझे सेकंड रैंक दिया था, और उस दिन लड़ाई में भी उन्होंने नरेश के साथ दिया था। चलो स्टाफ रूम चलते हैं, वहां क्लू जरूर मिलेगा। स्टाफ रूम? स्टाफ रूम क्यों माया, वहाँ क्यों जा रहे हैं? चलो ना, मैं सब बताती हूँ। हमारी कंप्यूटर लैब जैसी लैब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सारे इंस्ट्रूमेंट्स एप्पल के हैं। यही नहीं, 100 सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं पूरे स्कूल में। सब वर्किंग कंडीशन में है? अरे अरे मैडम, एंट्रेंस से लेकर टॉयलेट तक सब वर्किंग कंडीशन में है।
और इस स्कूल में प्रिंसिपल और मेरे परमिशन के बिना परिंदा सास तो क्या पर भी नहीं मार सकता है मैडम। करेक्ट। पर मेरी बाज जैसी नजर है मैडम। इज इट? हाँ सर। सर हाँ, ये नरेश नाम का स्टूडेंट कहाँ मिलेगा? नरेश, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जी, नरेश के डैडी ने उसके लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। क्लास में बाहर का खाना अलाउड नहीं है, आप ऑफिस रूम में जाइए, वही दे देना। ठीक है सर। यही है, यहाँ देखो। Are you sure? अरे देखो ना। Okay. जल्दी करो, कोई आ जाएगा। हाँ हाँ देख रही हूँ। मैं उनकी डायरी चेक करता हूँ। ओके। श्रीधर सर की फोटो। श्रीधर सर की फोटो इस डायरी में? जरा देना। यहाँ कुछ लिखा है। क्या क्या लिखा? क्या? माय स्वीटी पाय। स्वीटी पाय? माया, स्वीटी पाय का मतलब क्या है? मतलब सर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर, प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। क्यों? केमिकल स्टोरेज रूम में बुलाया है आपको। तुम दोनों प्रिंसिपल से कहाँ मिले? लैब में। क्या? ऑडिटोरियम के पास वाले लैब में। ठीक है, तुम लोग निकलो। ओके सर। चलो माया। ऊपर चलते हैं। चलो चलो। जल्दी आओ। प्लीज मेक इट फास्ट शिवा। तुम उस टेबल पर देखो। ओके। हेलो गोविंद राम जी। मैडम, चेयरमैन साहब लाइन पे हैं। कर लो। इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया क्या? हाँ स्टार्ट हो गया है, सब सही चल रहा है। हमारी राजेश्वरी मैडम ही आई है। इंस्पेक्शन टीम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ना, सब कुछ ठीक जा रहा है, एकदम मक्खन की तरह। ना फोन उठा रही, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है, पता नहीं कहाँ है। सारे ड्रॉस लॉक्ड है। एजुकेशन मिनिस्टर से मिले थे क्या? हाँ, मैडम का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। मैडम को सारी चीजें दिखा देना। हाँ दिखा दूंगा सर। मिस्टर मगरमच्छ, एक मिनट सर, मैडम बात करेंगी आपका। कट द फोन। आई सेड कट द फोन। सर फोन कट कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? ओहो ओके, चलिए मैडम। पहले कैंपस देखते हैं। जी। स्कूल कैंपस के अंदर सेलफोन यूज नहीं करना चाहिए, पता नहीं है क्या आपको? यस मैडम। ये रूल सबके लिए है। ओके मैडम। आपके डिसिप्लिन को ही स्टूडेंट फॉलो करेंगे। सॉरी मैडम। सॉरी का बेबी। यहाँ कुछ भी नहीं है शिवा। इससे पहले पैंट गीली हो सर, जाने दो सर। अरे ठीक है, जा कर ले। माया इधर देखो, खून के धब्बे। इट्स लॉक्ड। अपने तरीके से खोलो इसे। लैब में क्यों बुलाया होगा? जल्दी करो। कोशिश कर रही हूँ शिवा। माया जल्दी खोलो, फास्ट फास्ट। नहीं खुल रहा है, इट्स नॉट ओपनिंग। हटो। ट्राई करो, ये लो, एक साथ ट्राई करो। यस। शर्लॉक होम्स। हे, क्या कर रही हो? सॉरी। ई ब्लॉक? शिवा और माया ने तो लैब कहा था। उन्होंने झूठ कहा। वेट वेट, ये लो। ये नरेश का मोबाइल है। नंदिनी मैम की डायरी में श्रीधर सर की फोटो, श्रीधर सर की कपट में नरेश का लैपटॉप और फोन, और तो और ये खून से सना रुमाल। आई एम डैम श्योर श्रीधर इज द किलर। अगर लैपटॉप और फोन के लिए खून किया है तो इनमें जरूर कुछ होगा, लेकिन ये चीजें इनके कबर्ड में है, इससे ये प्रूव नहीं होता कि यही खूनी है। वी नीड अ सॉलिड एविडेंस। इससे बड़ा और क्या एविडेंस चाहिए? चलो सबको बता देते हैं। अगर अंदर कुछ नहीं हुआ तो
पहले चेक करते हैं। इसके लिए भी पासवर्ड? एंटर ही पासवर्ड है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। ए, वो फोल्डर ओपन करो। इसे? हमारे स्कूल के स्विमिंग पूल में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग की है। अब से मैं स्कूल में डायपर लेके आया करूंगा, जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो। मैं सोच भी नहीं सकता नरेश इतना घटिया इंसान है। उस जैसे इंसान से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा हुआ मैंने स्विमिंग ज्वाइन नहीं की। नंदिनी श्रीधर फोल्डर, इसमें जरूर कुछ होगा। कौन था ये गेंडा? रे मरने के पता भाई, बच्चों की जान लेके चला गया। नंदिनी मैम बाथरूम में क्या कर रही हैं? शिवा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लैपटॉप पकड़ो। चलो माया, माया भागो। माया आप क्या करें? लैपटॉप में क्या है देखना होगा। माया, कहाँ भाग रहे हैं ये लोग? मैंने कहा रुक जा वरना तुम दोनों को मार डालूंगा। अबे हट सामने से। दीवारों पर पेंट करवाइए। हाँ मैम, हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। रे सामने से इंस्पेक्टर आ रहा है, ध्यान से। अरे वर्दी संभाल लो अपनी। जय हिंद सर। बचने के लिए बॉस, वो आपका दोस्त है का? ओह इसीलिए डर रहे हो। मिलते सर। ए बाय सर। तू भंगारवाड़ी का काशी है ना? अरे रुक रुक। ए काशी, मैं आई हूँ और बारिश होने वाली ये है। अच्छा शगुन है। हाँ? मैडम आप चलकर थोड़ा थक गई होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स कॉफी टी कुछ लेना चाहेंगी आप? क्या मैंने आपसे कहा कि मैं टायर्ड हूँ मिस्टर चिंगम? गोविंद राम। ये गोविंद राम कौन है? यही है हमारे प्रिंसिपल गोविंद राम। ओ, ओ, इनको शुगर बीपी तुमसे पूछा इनको क्या? जरूरत है वरना बेहोश हो जाएंगे। मैडम मैडम मैडम, हाँ? कुछ पी कर चलते। ठीक है सब लोग शेयर कर लेते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, मेरे लिए मेरी ड्यूटी फर्स्ट है, आपको समझ आया मिस्टर लाल बादशाह? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? मुझे गलत नाम से भी बुलाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, पहले मुझे कॉफी दीजिए। हाँ जरूर प्रिंसिपल सर, यही है। चलो नहीं, अभी नहीं बाद में, पहले चेक करते हैं। तुम भी लो, तुम भी लो। मैडम व्हाई आर दी स्टूडेंट्स रनिंग? क्यों? कुछ नहीं सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसी प्रैक्टिस? अरे वो मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। याद आ गया मैराथन। क्लास टाइम में मैराथन की प्रैक्टिस, वो भी कॉरिडोर में? कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर कोंडाकोल। गोविंद राम, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर मिस्टर व्हाटएवर। वेट, ये कौन है? कोच? हाँ कोच कोच, दौड़ने की ट्रेनिंग देने वाले कोच। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे उनका खून कर देगा। अबे मैं नहीं भाग सकता, उसको बाहर ही देख लेंगे। आप मुझे तब से घुमा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बदतमीज। कोई है? अबे इसे अंदर लेके चलते हैं। चल चल। रे रूठ। सॉरी मिस्टर गोविंद राम, आपका स्कूल बहुत बकवास है। मैडम लेकिन इस बार आपने मेरा नाम बिल्कुल सही बुलाया। अबे पिज़्ज़ा तो खाया नहीं, भारी कैसे हो गया? रे उठा लो याको। अबे किधर जा रहा है? रे टोपी गिर गई। तुम प्रिंसिपल को क्यों नहीं बता रही हो? सॉरी सर।
आराम से। सॉरी सर, गलती से टकरा गया मैं। आप कौन है? मैं यहाँ का स्टाफ हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो भाग के क्यों जा रहे थे? थोड़ा अर्जेंट है। आप कौन सा अलविस है? मेरा नाम श्रीधर है सर। तो वो कहाँ है? आज वो नहीं आए सर। किसी ने तो बोला वो आए हैं। तो स्टाफ रूम में होंगे। अभी स्टाफ रूम कहाँ है? इस तरफ है सर। कोई कहता है इधर है, कोई कहता है उधर है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी। थैंक यू। ओके सर। हेलो। जी सर। धीरे धीरे जाइए। जी। इसको भी स्कूल में बेहोश होना था। पता नहीं तुम दोनों का क्या करूं। तुझे अपने एरिया में लड़की नहीं मिली? लव का ना एरिया ना हो। लव के चक्कर में फंसे इधर। लगता है कोई आया है। तशरीफ नीचे कर ले। नमस्ते आलू पूरी कस्ते। अरे ये तो अन्ना है, इडली वड़ा अन्ना। नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे इंस्पेक्टर। सर सर मैंने कुछ नहीं किया है। प्रिंसिपल सर ने बुलाया, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ये एंथनी गोंसाल्विस कहाँ मिलेगा? वहां से सीधा जाके नीचे जाइए, थर्ड फ्लोर के स्टाफ रूम में मिलेंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम कितने डरपोक हो। श्रीधर सर ने नरेश का खून किया है। वन मिनट, आई एक्सप्लेन। श्रीधर सर और नरेश के बीच तनातनी चल रही थी। वो इस वीडियो को लेने गए होंगे और नरेश क्लासरूम में अकेला होगा। उठ, क्या लेटा हुआ, उठ। मैं जानता हूँ तेरा प्लान क्या है। लैपटॉप कहाँ है? तब उसने लैपटॉप देने से इनकार किया होगा। मैं नहीं देने वाला। मार डालूंगा। लैपटॉप को हासिल करने के चक्कर में श्रीधर सर ने पेंसिल से नरेश का खून कर दिया होगा और उसके बाद लैपटॉप और मोबाइल ले लिए होंगे। किसी को पता ना चले इसलिए उन्होंने चुपचाप लैपटॉप और मोबाइल को लाकर स्टाफ रूम के अपनी कबर्ड में रख दिया होगा। क्लासरूम में जाने से पहले ऑफ किए हुए सभी सीसीटीवी कैमरास को ऑन कर दिया होगा। उसी वक्त में नरेश से ये कहने गया था कि आज के बाद मुझसे कभी ना भिड़े। आखिर तू चाहता क्या है? इस थीसिस को तैयार करने में मुझे पूरे 2 साल लगे थे। ये तेरी समझ में कहाँ आएगा? क्योंकि तू और मैं बिल्कुल अलग है। उट, उट। नरेश, हे, नरेश, क्या हुआ? नरेश, हेल्प, हेल्प, नरेश। माया, नंदिनी टीचर के लिए ही श्रीधर सर ने खून किया है। इस लैपटॉप को प्रिंसिपल सर को दे देते हैं, तभी सबको यकीन होगा कि कातिल। हे शिवा, चुपचाप वो लैपटॉप मुझे दे दे। अब तुम लोग बचकर यहाँ से नहीं जा सकते। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? लाओ लैपटॉप। मैं नहीं दूंगा सर। स्टूडेंट्स के लिए आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए और आपने एक खून किया है और उसे छुपा भी रहे हैं। ए, चुप कर। सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने खून किया है। अरे यार, मैंने उसका खून नहीं किया है। मैं क्लास में उससे लैपटॉप और फोन लेने गया था, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही मरा हुआ था, इसलिए मैं लैपटॉप और मोबाइल लेकर वहाँ से निकल गया। मैंने उसका खून नहीं किया है। शिवा, ये झूठ बोल रहे हैं। खून बाहर के आदमी ने किया होगा। मैंने अरविंद स्कूल के चेयरमैन को यहाँ देखा था, वही कातिल होगा। वो नहीं चाहता था कि हमें ISO सर्टिफिकेट मिले। सर, ISO और नरेश के खून का क्या संबंध है? अरे ये बात मुझे नहीं मालूम। और क्या मैं पागल हूँ जो उसे चाकू से मारूंगा? चाकू से? मैं तुमसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? लाओ लैपटॉप मुझे दो, वरना तुम दोनों को। अरे सर को मारा क्यों? अबे तुम्हें बचाने के लिए क्या बे हम पे इल्जाम लगा रहे हैं? सर, सांसें चल रही है। जिंदा तो है ना? शिवा, इन्होंने खून नहीं किया। क्या खून? चिल्ला मत यार, चुप बैठ। नरेश का खून तो पेंसिल से हुआ है ना,
लेकिन ये तो चाकू कह रहे हैं। बाथरूम ही करना चाहिए था। तू भी ना यार, कसम से। पेंसिल? पेंसिल? ओपन करो। पासवर्ड। नरेश के फिंगरप्रिंट से भी फोन को ओपन कर सकते हैं। तो चलो क्लास चलते हैं। हाँ। तू यही रुक के सर का ध्यान रखना और लैपटॉप संभाल के। अरे मुझे छोड़ के मत जा। अरे सुना सुनना यार, रुकना। स्कूल में पुलिस? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं मैडम, ऐसे कोई बात नहीं है। पुराने स्टूडेंट है, आ जाते हैं कभी मिलने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्रिंसिपल हैं? नो, आई एम द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल हूं। सर रुकिए रुकिए। हां सॉरी मैडम। मिस्टर शंकर राम, आप कहेंगे तब भी मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए, यही प्रिंसिपल है। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या बात करना चाहते हैं आप? देखिए पहले इंस्पेक्शन होने दीजिए, तब तक आप हमारे ऑफिस में इंतजार कीजिए। सर ऑलरेडी आधे घंटे से मैं आपके स्कूल में घूम रहा हूँ, यहाँ गोंजाल्विस कौन है? ये मुछ वाले भाई साहब। हाँ मैं हूँ। आप ही हैं? हाँ। आपसे बात करने के लिए कमिश्नर सर ने भेजा है मुझे। फिक्र मत कीजिए, कमिश्नर मेरा क्लासमेट था, ऐसे ही पुलिस को भेजकर मुझसे पूछताछ करवाते रहते हैं, चोर पुलिस खेलते रहते हैं हम। आप प्रोसीड कीजिए, आपका टाइम बहुत कीमती है मैडम। आइए आइए मैडम। या या। आइए नंदिनी, ले जाओ इन्हें। इंस्पेक्टर, आप इस स्कूल के पुराने स्टूडेंट हैं? एक्चुअली मैम, स्टूडेंट तो सारे होते हैं। अरे 26 साल पुराना स्टूडेंट है। बताइए सर, क्या आपने किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मारकर टॉर्चर किया था? नहीं सर, मैं तो हैंडशेक करने से भी डरता हूँ सर, मैं मारता नहीं, मैं ऐसे रहता हूँ सर। आप ही गोंजाल्विस है ना? नहीं 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 नहीं, मैं आपको मेरा पूरा नाम बताता हूँ, वो है जॉन जानी जनार्दन, लेकिन प्यार से मुझे गॉडजिला कहते हैं। आप एंथनी गोंजाल्विस को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। सर वो अभी लाइब्रेरी में बैठकर चाय में बिस्किट डुबाकर खा रहे होंगे, आप वहाँ जाकर ढूंढिए ना, डोंट वेस्ट माय टाइम। लाइब्रेरी में चाय पी रहे? एक मिनट सर, लाइब्रेरी किस तरफ है? हाँ सीधे जाओ, डाउन जाओ और बाहर निकल जाओ। ओके डाउन? यू सेड डाउन? मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। आप जहाँ से आए थे सर, मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे यार इस लैपटॉप को भी संभालना है, का करे समझ नहीं। यहाँ रख देते हैं, अभी ठीक है। आओ सर थोड़ा सैर करके आते हैं, पहले मैं टॉयलेट कर लेता हूँ। सॉरी सर। ओपन हो गया। नंबर किसका है, कैसे पता चलेगा? इस नंबर को ट्रू कॉलर में डालेंगे तो पता चल जाएगा, अभी देखते हैं। हाँ ठीक है। इंदुलेखा? अब ये इंदुलेखा कौन है? कहीं 11th क्लास वाली इंदुलेखा तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? नहीं वो मैं जानता हूँ। ओपन द मैसेज। या 11:28 पर आई विल किल यू का मैसेज भेजा है। मैं पहुंच गया। और 11:32 पर नरेश का खून हो गया। शिवा मेरे पास एक प्लान है। इंदु लेखा को नरेश के फोन से एक मैसेज भेजो, अगर वो क्लासरूम में दोबारा आती है तो वही किलर है। हेलो इंस्पेक्शन चल रही है, क्यों फोन किया है बताओ, क्या बात है? सर क्लास में नरेश की लाश है, किसी ने उसका खून कर दिया है। लाश का क्या करूं सर? ओके सर। मैडम मैडम आ रहा हूं मैडम। समझा करो माया, वो किसी भी लॉजिक से क्लासरूम में नहीं आएगी। शिवा मुझे अभी समझ आया, अगर खूनी आदमी होता ना तो नरेश को मारने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब जरूर किलर लड़की ही है, वो जरूर आएगी, तुम देखना। अरे सवारी का स्टेशन कहाँ है? वो जरूर आएगी, ट्रस्ट मी, जस्ट वेट। इंदु? वो क्लास में जा रही है। माया डोंट नो। ए इट्स ओके। ए व्हाट हैपेंड इंदु, मुझे बताओ तो क्या हुआ है? तुम जो बोल रहे हो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, हाथ हटाओ। लुच्चे लफंगे, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? मैं पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ए रुक, छोड़ो मुझे, कुछ किया जा रही है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो।
प्लीज मुझे जाने दो। बात मान, हम दोनों खुश रहेंगे। मान जाओ बेबी, जिद मत करो। हाथ हटाओ। दीदी आर यू क्राइंग? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेबी, दीदी ने गलती की है ना, बस वही समझा रहा था। नो यू आर लाइंग, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। नहीं बेबी, तुम अभी छोटी हो। प्लीज आप रो मत। उसे लेके मत जाओ कह रहा हूँ ना। दीदी आप रोइए मत, मैं पापा से कह के इसकी पिटाई करवाऊंगी। उससे कुछ कह रहा हूँ ना, बात नहीं मान रही है। दीदी छोड़ो इसे। दीदी That's my girl. पहले ही मान जाती ना। ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि इसे हम दोनों ने भूल कर मारा है। हमने? हाँ, तुमने मेरी बात मान ली होती तो मैं इसे पानी में क्यों फेंकता? चल, इससे पहले हमें कोई देख ले, चल। दिव्या, दिव्या। छोटी सी बच्ची थी वो, मेरे बहुत क्लोज थी, मुझे दीदी कहकर बुलाती थी। दीदी, हम दोनों बहुत मस्ती करते थे। इस नरेश ने उसे मार डाला और 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं किसी को ना बताऊं, और ये बात मुझे मन ही मन में खाए जा रही है। माया रवि, ए रवि सर, नमस्ते, आप यहाँ? हाँ, मुझे देख के डर गया। तुझे मैंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन पैसे खाने के चक्कर में मुझे ही भूल गया। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ा सकता हूँ, ज्ञान मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाकर इसका यूज कर सकता हूँ। ज्ञान की बात अब तू मुझे सिखाएगा? मुझे ज्ञान मत सिखा तू। अरे जल्दी फोन उठा। अरे कोई आ रहा से? ये कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, आपका स्टेशन आ गया। अरे करके आता हूँ, अब तो नहीं रुक रही। अरे खुल जा सिम सिम। दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है ये। बाबा इसने भी नहीं मारा, सर ने भी नहीं मारा, तो फिर किसने मारा होगा? अबे थीसिस पेपर चुराने के लिए इको मार डाला। अबे तू, मैंने इसे नहीं मारा, तू चुप कर। तो इसने मारा होगा। तुझे वहां रुकने के लिए बोला था ना, यहाँ क्यों आया? अरे वहां हम सब सेटल कर दिए हैं। क्या सेटल, क्या? इंदुलेखा भी घूमी नहीं है, घूमी नहीं है। पेंसिल का इस्तेमाल क्यों किया? मोटिव क्या हो सकता है? और इंस्पेक्शन वाले दिन ही मर्डर क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं नरेश का मर्डर सौम्या ने तो नहीं किया, या गॉडज़िला सर ने? कौन ऐसा कर सकता है? कातिल है कौन? पेंसिल का इस्तेमाल क्यों किया? कुछ समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्शन के ही दिन क्यों? और पेंसिल का इस्तेमाल क्यों किया? ओके सो लिसन एवरीवन, नेपोलियन तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर इस पीरियड की घंटी नहीं बजनी चाहिए। ओके, आई नीड सम मोर टाइम। समय ही बजेगी घंटी। फील्ड पर एनएसएस क्लास चल रही है। ओके, सर से कहना कि इंस्पेक्शन टीम वहां आ रही है, तो वो किसी को जाने ना दे। ठीक है माया। ठीक है, जा। शिवा, स्पोर्ट्स डे वाले दिन गोपी ने कोल्ड ड्रिंक पी थी और वो बेहोश हो गया था। तुम ये पता लगाओ कि उसे वो कोल्ड ड्रिंक किसने दी थी। ओके ओके, पर तुम क्या करने वाली हो? मैं लाइब्रेरी में पता लगाऊंगी, तुम जाओ। माया ही तो कातिल नहीं है। मैडम, हम उस तरफ चलते हैं। वहाँ क्या स्पेशल है? ऑल एसी क्लासरूम्स मैम। ओह, एसी क्लासरूम्स? यस मैडम। मैडम, मैडम क्या हुआ, रिवर्स गियर में क्यों गई? क्या हुआ? दिस इज शिवास क्लासरूम राइट? यस यस। 12th ए, लेट्स गो इन। मैडम थामा, मैडम रुकिए, मैडम मुझे शिवा से मिलना है। अरे क्लास में तो कोई नहीं है, प्रोजेक्टर चल रहा है, बिजली की इतनी बर्बादी हो रही है इस क्लास में, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। लेकिन क्लासरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है।
मैंने उन्हें क्लीन करने को कहा था और उन्होंने क्लीन कर दिया। अच्छा, आपके कहने पर क्लीन किया है। हाँ, सफाई होनी चाहिए पर आपके कहने पर नहीं। अरे चुप हो जा, कोई आ रहा। अरे योग इसको ले जा रहा। अरे भैया, हम तो यो छोरे को मारने आए। अरे ये स्टोर रूम है कि लाश को स्टोर करने का रूम है? सर, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि स्कूल में इंस्पेक्शन चल रहा है, इसलिए बेल बजने के बाद भी इन्हें यहीं रोक के रखें, इन्हें क्लासरूम में ना जाने दें। घंटी बजने पर भी? जी सर। कौन है यहाँ? अरे दो मिनट रुको यार, फोन करते हैं, तीन दिन से परेशान हो गया। कॉपी, कॉपी। हाँ शिवा। उस दिन स्विमिंग पूल के पास कोल्ड ड्रिंक्स पीकर बेहोश हो गए थे ना, स्पोर्ट्स डे वाले दिन। हाँ हाँ याद है। कोल्ड ड्रिंक्स तुम्हें किसने दी थी? माया श्रीनिवासन, मेरा नाम, मेरा नाम। मालगुडी रेस, इसका मतलब इस बुक की भी बहुत सारी कॉपीज होगी। वो तो एनएसएस स्टूडेंट ने दिया था। लेकिन एनएसएस स्टूडेंट्स को वो कोल्ड ड्रिंक्स बांटने के लिए किसने दी थी? वो मुझे याद नहीं आ रहा शिवा, भूल गया। पेंसिल, कम ऑन, पेंडिंग, इसका मतलब हाँ याद आया, केएस सर ने ही स्नैक्स अरेंज किए थे। इंस्पेक्शन के वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीचर की गैर मौजूदगी में कंप्यूटर को एक्सेस करना गलत बात नहीं जानती? जानती हूँ सर, लेकिन क्लास में ना होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शर्ट भी चेंज कर ली। ओह, मुझसे इंटरोगेशन? ऐसी एक और किताब लेकर आपने एक साल से उसे अपने पास रखा है। इसमें विलेन अपनी प्यारी बिल्ली को पेंसिल भोंक कर मार देता है। मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं जानती हूँ। नरेश कहाँ है? नरेश या उसकी डेड बॉडी? तुम बेकार की बात कर रही हो। स्विमिंग पूल में आपने नरेश को जहर देकर मारना चाहा, लेकिन वो बच गया, पर मौका मिलते ही उसे मार डाला। तुझे तो आइए मैडम, पहले लाइब्रेरी में चलते हैं। वाय? क्योंकि पूरे स्टेट में हमारी लाइब्रेरी सबसे बड़ी है। माया, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। बताओ नरेश कहाँ है? माया, तुम नहीं समझोगी मैंने ये क्यों किया। माया कहाँ हो? आप गलत कर रहे हैं सर। है, लुका छुपी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। नरेश कहाँ है बता, मेरे सवाल का जवाब दे। माया रुक जा, रुक जा। माया खत्म होने से पहले मुझे नरेश की बॉडी चाहिए। माया, माया रुक जाओ, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकोगी। माया, माया Thank you.
यहाँ से बचकर तू बाहर नहीं जा सकती माया। कान खोल कर सुन ले, अब तक चुप होगी। हे, माया माया माया, नरेश की बॉडी को कवर कर रखा है। सर, ये क्या कर रहे हैं? बॉडी नहीं मिली तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवा, इसी ने नरेश को मारा है। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। नरेश को तो उसके किए की सजा मिल गई, अब तुम भी नहीं बचोगे। शिवा, छोड़ना मत शिवा, इसे जाने मत देना। क्लीन करना चाहिए, कितनी डस्ट है इस कमरे में। नरेश, पहले चेक कीजिए सांस चल रही है कि नहीं। सांस नहीं चल रही है मैडम। माय गॉड, वो कौन है? वो श्रीधर है, स्कूल का टीचर है मैडम। ये कौन है? ये अन्ना स्वामी है, अरविंद स्कूल के चेयरमैन है ये। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैडम को हेलो बोलने आया हूँ। और वो कौन है? ये केमिस्ट्री के टीचर है। हाँ, आपको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना मत शिवा। हे भगवान, ये स्कूल है या मुर्दा घर? दरवाजा खोलते ही इतनी सारी लाश है, आपको इसके बारे में नहीं पता था? मुझे कैसे पता होता, मैं तो आप ही के साथ में हूँ। और वो कौन है? ये तो स्कूल के बगल वाली बस्ती का मुन्ना है, शायद यहाँ पे चूल्हा लगाने आया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सर, एम्बुलेंस को बुलाइए। नो नो नो, फर्स्ट कॉल द पुलिस। मैंने नरेश को सबकी भलाई के लिए मारा था। अपने सब क्यों क्या सर? शिवा पकड़ लो। और मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना मत। You are failed. खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक टीचर होने के बावजूद आपने स्टूडेंट की हत्या क्यों की? एक्टर रमाकांत और आपके बीच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसीलिए आपने उनके बेटे को मार दिया, क्या ये सच है? और हमें ये भी पता चला है कि आपको स्टूडेंट नरेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए आपने उसे भी मार दिया, सच क्या है ये बताइए। Damn it! लोग किसी की मौत हो जाने के बाद ही सच जानना चाहते हैं, बशर्ते वो कोई VIP हो। अगर किसी मजदूर की मौत हो जाए तो वो छोटी न्यूज होती है, वहीं किसी हीरो को छींक भी आ जाए तो तहलका मच जाता है, आप जैसे लोगों को न्यूज मिल जाती है। शिट, समाज में गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं है। इसी स्कूल में 2 साल पहले एक छोटी सी बच्ची स्विमिंग पूल में मर गई। इसकी तो आपको खबर ही नहीं होगी, अगर उसी हादसे की खबर किसी बड़े न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनकर आप सबके सामने आई होती तो आज मैं आपके सामने इस तरह मुजरिम बनकर खड़ा नहीं होता। मेरी बेटी दिव्या, उसकी क्या गलती थी बताइए। पापा पापा, लेट हो रहा है, कम फास्ट। वाओ पापा, ये तो मेरी जैसी है। मेरे को नहीं खाना। क्या गलती थी उसके बताइए, बोलिए। हमारी बेटी के बिना हम लोग जी ही नहीं पा रहे थे। इस सदमे की वजह से मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। इस सब के जिम्मेदार उस नरेश को मैंने मार डाला। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था उससे। मुझे इस बारे में जिस दिन पता चला उसी दिन मैं उसे मार देता, लेकिन मैं 2 साल से सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मैंने उसका कुछ नहीं किया।
नरेश अपने पैसे की ताकत के बल पर हर गलती छुपा देता था। स्कूल की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, वो उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि उसे इसकी सजा जरूर दूंगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। स्कूल मैनेजमेंट उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहा था और मैं इस बात को उजागर करना चाहता था। अपनी गलतियों को छुपाने वाला मैनेजमेंट इस बात को भी छुपाएगा, मुझे पूरा यकीन था। इसीलिए मैंने आईएसओ के इंस्पेक्शन वाले दिन को ही चुना। मैं जानता हूं मेरे इस काम से समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा समाज और सिस्टम करप्ट है। तो आपको और क्या परेशानी है? परेशानी मुझे ही नहीं है, सबको है। इसी स्कूल ने किसी लड़के को बिना वजह टीसी दे दी और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि ये स्कूल उसकी मौत का जिम्मेदार है। उसकी उम्र 14 साल थी, मासूम था वो। इसी स्कूल की लापरवाही के कारण एक ओवरलोडेड बस से बच्ची गिरकर मर गई। वो 8 साल की थी, किसी ने नहीं पूछा क्या ये उसके मरने की उम्र थी। हमारी स्कूल की इतनी बड़ी इमारत है जिसमें से 3 एकड़ जमीन कब्जा की हुई है। अगर इनमें से किसी एक भी गलती पर किसी ने आवाज उठाई होती ना, तो उन गुनाहों को रोका जा सकता था। तो क्या सारे प्राइवेट स्कूल्स पर भी गवर्नमेंट को अपनी नजर रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल रखनी चाहिए। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, वो एक सेवा है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। बेचारे माँ बाप अगर नामी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो सोसाइटी में उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा, ये गलत फहमी है उन सबको। और स्कूल वाले इसी बात का फायदा उठा लेते हैं, मुंह मांगी रकम वसूलते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं माँ बाप का। एजुकेशन अब कोई सेवा नहीं है, रेस हो गई है। अब फीस कलेक्शन की रेस लगी है, इमारतें खड़ी करने की रेस लगी हुई है। ये सब चीजें दिखाकर ही मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पता नहीं ये रेस आखिर कहां जाकर खत्म होगी। यहां तो लोग गुरुओं को भी खरीदने में लगे हुए हैं। ना जाने क्या होगा इस देश का, पता नहीं क्या होगा। आज भी हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो 10 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज भी मिड डे मील के सहारे पलने वाले बहुत से बच्चे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से मिलने वाली यूनिफॉर्म को पहनकर वो मासूम और गरीब बच्चे खुश हो जाते हैं। उन्हें भी सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो कुछ हासिल कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, शिक्षा को व्यापार मत बनाइए, मत बनाइए, व्यापार मत बनाइए प्लीज। Are you interested in space, science, astronomy? Yeah, why not? Just a friend. Talk to her. It's okay. You know, I'm learning Japanese. My friend is waste of time. She'll keep on calling. Excuse me, just a second. Bolo, Maya. क्या कर रहे हो? मैं एलियन के साथ कॉफी पी रहा हूँ। ये एलियन तो नहीं लग रही? एक सेकंड ना। तुम अचानक यहाँ कैसे? बैठो ना। तुम्हारे लिए मैं टाइम वेस्ट हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, मतलब मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं आ सकती हो मतलब, पर मेरे अंकल यहीं पर रहते हैं। अच्छा, अंकल क्या जा रही हो? I'll be back मेरे soon. पीछे क्यों आ रहे हो? उसी के पास जाओ। उसका मेरा तुम एलियन के पास ही जाओ। जाओ उसी के पास जाओ। Hey, वो सुनो। Don't follow me. I don't want to talk to you. सुनो माया।